अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की बहन की मौत। डॉन की बहन हसीना पारकर की मौत। हसीना पारकर मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बड़ी बहन। हसीना अब इस दुनिया में नहीं है। मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हसीना पारकर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सीने में दर्द की शिकायत के बाद दोपहर 2:30 बजे हसीना को हबीब अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही हसीना ने दम तोड़ दिया। दोपहर 3:15 बजे जब अस्पताल में डॉक्टरों ने हसीना पारकर की जांच की तो मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह हार्ट अटैक। अस्पताल में औपचारिकता पूरी करने के बाद शाम 4 बजे मुंबई के नागपाड़ा इलाके के गॉर्डन हाउस में हसीना पारकर का शव लाया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के डोंगरी में स्थित हबीब हॉस्पिटल में, जहां पर लगभग 3:15 बजे का वक्त था जबकि हसीना पारकर को यहां पर लेकर आया गया। दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन है वो। 3:15 बजे के वक्त जब यहां पर लेकर आया गया तभी डॉक्टर ने उन्हें लेकर आते ही मृत घोषित करार दिया हुआ था, जिसके बाद से उनके मृत शरीर को उनके मुंबई के निवास स्थान जो कि नागपाड़ा के गॉर्डन हाउस है वहां पर रखा गया। यही है नागपाड़ा का वो गॉर्डन हाउस जहाँ हसीना पारकर रहा करती थी। सूत्रों के मुताबिक हसीना पारकर की मौत की खबर लगते ही परिवार के लोगों का उनके घर पर पहुंचना शुरू हो गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का देहांत हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के नागपाड़ा इलाके में और जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है गॉर्डन हाउस, उसी की पहली मंजिल पर हसीना पारकर रहती थी। उन्हें प्यार से लोग हसीना आपा के नाम से जानते थे। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 2 बजे के वक्त, रविवार के दोपहर 2 बजे के वक्त उनकी तबीयत खराब हुई। उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई जिसके बाद उन्हें पास के हबीब हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। 2:30 बजे उन्हें यहाँ से लेकर निकाला गया। तकरीबन 3:15 बजे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर पहुंचने के बाद ही वहां के जो डॉक्टर हैं उन्होंने मृत घोषित करार दिया। दाऊद की सबसे करीबी थी हसीना पारकर। सूत्रों की माने तो 7 भाई और 3 बहनों में हसीना पारकर दाऊद की सबसे करीबी बहन थी। दाऊद की तरह हसीना भी अक्सर सुर्खियों में ही रहा करती थी। कुछ साल पहले हसीना पारकर के पति का कत्ल हुआ था और आरोप गवली गिरोह पर लगा था। अपने बेटे दानिश की मौत की वजह से भी हसीना चर्चा में थी। हसीना पारकर पर वसूली के भी आरोप लगे थे। बताया जाता है हसीना इलाके के छोटे मोटे झगड़े भी सुलझाया करती थी। सूत्रों के मुताबिक हसीना पारकर को सोमवार सुबह 11 बजे मरीन लाइन कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। 25 साल पहले मुंबई में सीरियल बम धमाके के बाद दाऊद इब्राहिम देश से फरार हो गया था। सुरक्षा एजेंसियां दाऊद की तलाश में हैं। एजेंसियों के मुताबिक दाऊद पाकिस्तान में छुपा बैठा है। दिवाकर सिंह और मुनीश पांडे के साथ आर एस चंद्रा, मुंबई आज तक। बहन की मौत की खबर दाऊद इब्राहिम को मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक टीवी न्यूज के जरिए छोटा शकील को इसका पता चला और उसके बाद छोटा शकील ने दाऊद को उनकी बहन हसीना पारकर की मौत की जानकारी दे दी। छोटा शकील ने खुद दाऊद को ये जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद ने कहा है कि उसके लिए ये दुख की घड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक छोटा शकील ने बताया कि हसीना पारकर हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थी और उसे कल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुनीश पांडे जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मुनीश, सरहद पार खबर पहुंच चुकी है, क्या रिएक्शन वहां से, और ये भी खबर है कि खुफिया एजेंसी भी इसको लेकर अलर्ट पे है। जी बिल्कुल, जब से खुफिया एजेंसी को इस बात की जानकारी मिली थी कि हसीना पारकर की तबीयत ठीक नहीं है, जो कि पिछले रात से उन्हें लगातार सीने में दर्द की शिकायत थी, एक बार उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया था लेकिन फिर वापस वो अस्पताल से घर पर आ चुकी थी। आज दोपहर में उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन खुफिया एजेंसियां जो है उन्होंने अलर्ट कर दिया था बाकी एजेंसी को, मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस को। और यही वजह थी कि जब इस बारे में तुरंत जानकारी मिली थी कि हसीना पारकर अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उनके जो सबसे करीबी थे दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन थी हसीना पारकर। दाऊद और हसीना पारकर के बीच में जो संबंध था वो काफी गहरा था, लेकिन फिर भी दाऊद इब्राहिम को तुरंत जानकारी नहीं मिल पाई थी। सबको इस बारे में जानकारी थी कि खुफिया एजेंसियां इस बात में इसको सर्विलेंस पर रखा हुआ उन्होंने कि अगर कहीं कुछ किसी तरीके संपर्क होता है तो कम से कम उन्हें लोकेशन का पता चल पाए, लेकिन काफी देर तक जब पता नहीं चल पाया तो छोटा शकील ने दाऊद को इस बारे में जानकारी दी। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दाऊद ने परिवार से संपर्क किया हुआ है, फेसबुक और स्काइप के जरिए उन्होंने बातचीत की हुई है। दाऊद हसीना पारकर के बेहद करीबी थे, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब 1991 में जो दाऊद के पति, जो माफ करिएगा, जो हसीना पारकर के पति थे इस्माइल, उनकी जब मौत हो गई थी, अरुण गवली के ऊपर इल्जाम आया हुआ था,
तो दाऊद इब्राहिम ने उस बात का बदला लिया हुआ था। जी मुनीश, शूट आउट जो भी काफी मुनीश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।